नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश के नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्य एमएलसी आज शाम को शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन तिलक हॉल नवीन भवन में होगा। नव निर्वाचित एमएलसी को विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक समेत यूपी सरकार के सभी मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि यूपी एमएलसी चुनाव 2022 के परिणाम 12 अप्रैल को घोषित होने के बाद बीजेपी उच्च सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। एमएलसी चुनाव के नतीजों में भाजपा ने कुल 27 विधान परिषद सीटों में से 24 पर जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। इससे पहले बीजेपी ने 9 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की। इस तरह बीजेपी ने विधान परिषद की 36 में से कुल 33 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की। तब से कुछ ही देर में नवनिर्वाचित एमएलसी शपथ लेंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेहमान धीरे धीरे पहुंच भी रहे हैं कार्यक्रम स्थल पर। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आपको बता दें कि 36 में से कुल 33 सीटें बीजेपी ने हासिल करी, जिसमें से 9 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की बीजेपी ने। और इस खबर में मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज एक अहम दिन है, एमएलसी नव निर्वाचित एमएलसी आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसे? अहम है क्योंकि इस शपथ ग्रहण के बाद भारतीय जनता पार्टी के 66 सदस्य हो जाएंगे, और जिस तरह से उच्च सदन में 66 सदस्य होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हो गया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत काम आएगा। और इसकी तैयारी भी बहुत जोरों से की गई। मैं आपको बता दूं कि विधान परिषद के सचिव हैं राजेश सिंह, उन्होंने कहा था कि हमने पहले ही सारे जो नवनिर्वाचित विधायक वो विधायक एमएलसी उनको बता दिया है कि सब लोग 2:30 बजे तक पहुंचे, अपने प्रमाण पत्र के साथ पहुंचे, जिससे और औपचारिकता है वो पूरी हो सके। और साथ ही साथ जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है वो 4 बजे शुरू होगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे, सतीश महाना भी शामिल होंगे, और जो कई बड़े नाम है अपनी सरकार में वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। निश्चित रूप से बड़ा कार्यक्रम है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। जहाँ बता रहे 36 सीटों पर चुनाव हुआ था, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसमें 27 सीटों पर चुनाव हुआ था और केवल 9 सीटों पर निर्भर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। निश्चित रूप से बड़ी यहाँ पर जीत, और बड़ी जीत के बाद अब यहाँ पर जो नए निर्वाचन एमएलसी का जो है सब कार्यक्रम कराया जा रहा है। जी गौरव, एमएलसी चुनाव 2022 के परिणाम घोषित होने के बाद बीजेपी उच्च सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, इसे किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए बड़ी पार्टी बन गई है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा लाभ इसमें है जो भी अध्यादेश आता है, जो भी कानून आता है, जो भी बिल होता है, वो तो पहले विधानसभा पास होता है, उसका इसको विधान परिषद में पास कराना पड़ता है। निश्चित रूप से अब विधान परिषद में बीजेपी को कोई भी बिल अध्यादेश या कानून पास कराने को दिक्कत नहीं होगी। निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा मिलेगा क्योंकि 66 सीटों के साथ बीजेपी अब विधान परिषद में उच्च सदन में, विधान परिषद उच्च सदन है, उसमें बहुमत साथ पार्टी बन गई है। जी, कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ अपडेट है गौरव? एक 4 बजे कार्यक्रम शुरू होना था, हालांकि अभी शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि लगातार लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि 2:30 बजे सारे जो नवनिर्वाचित एमएलसी को बुलाया गया था कि वहां पहुंचे अपने प्रमाण पत्र के साथ, और वहां पर जो जरूरी औपचारिकता है वो पूरी करा जा सके। इसके बाद भी लगातार लोगों का आना जारी है, सारे लोगों का पत्रकार, मेरा मानना यह है कि लगभग 4:30 बजे से कार्यक्रम बिल्कुल शुरू हो जाएगा। विधान परिषद के जो तिलक हॉल है विधान भवन का, वहाँ पर कार्यक्रम किया, बड़ा बृहद कार्यक्रम रहेगा, साथ ही कई बड़े नाम भी इसमें शामिल होंगे, और साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी इसमें शामिल होंगे। जी गौरव, यूपी में विधानसभा विधान परिषद के चुनाव तो हो गए हैं, और माना जाता है कि बीजेपी हमेशा ही चुनाव के मोड में रहती है, तो अब आने वाले समय में कौन से चुनाव है जिसपे फोकस है बीजेपी का? बीजेपी का फोकस, बीजेपी की एक हमेशा परिकल्पना रहती है, संगठन का हमेशा एक तैयारी करता है कि एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देता है। और इस समय चुनाव आने वाले समय में सबसे बड़ी बात करूँ अगर तो इस साल जो नवंबर दिसंबर में चुनाव गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में, और माना जाता है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि गुजरात हिमाचल प्रदेश चुनाव बिल्कुल निश्चित है, वहां पर चुनाव होने हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़े जो लक्ष्य है वो 2024 का है, तो बड़ा चुनाव है, आम चुनाव होता है, इसके माध्यम से केंद्र सरकार चलाई जाती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर चुनाव की तैयारियां और भारतीय जनता पार्टी सभी समीकरणों को साधने में लगी। अगर आप दिखाए बात करें तो एमएलसी चुनाव के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वर्गों को साधने का प्रयास किया, क्योंकि उनको पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में आप जीत हासिल करते हैं तो उत्तर प्रदेश के माध्यम से आपको केंद्र में सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। निश्चित रूप से यहाँ पर चुनाव की तैयारी लगातार चल रही है, और गुजरात हिमाचल प्रदेश में कई टक्कर बीजेपी देगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे।
उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार दूसरी बार काबिज होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने विकास कार्य का रोड मैप तैयार कर लिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक लाल बहादुर शास्त्री भवन में हुई, जिसमें 10 में से 9 प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश 10 लाख लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा। कैबिनेट ने इथेनॉल के उत्पादन को मंजूरी दे दी है, साथ ही एक्सप्रेसवे पर 6 एम्बुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहनों को भी मंजूरी दी गई है। बेसिक इंस्ट्रक्चर का वेतनमान 9,000 रुपए भी कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी को दी गई सिंचाई विभाग की जमीन। योगी कैबिनेट ने इन 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 10 लाख लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा। बेसिक शिक्षा के अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा को लेकर प्रस्ताव मंजूर। विधानसभा सत्र में जो प्रस्ताव आएंगे उसके लिए कमेटी बनी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एम्बुलेंस, 12 पेट्रोलिंग वाहन भी मिलेंगे। पीजीआई में मरीजों के तीमारदारों के लिए भवन निर्माण होगा। सिंचाई विभाग की 5,393 वर्ग मीटर जमीन को लेकर भी प्रस्ताव पास। जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करने की मंजूरी। तो ऐसे बड़े फैसले हैं जिनको आज मंजूरी दे दी गई है। इन पे प्रस्ताव पे मुहर लगा दी गई है। इस खबर पे हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, आज अहम बैठक हुई और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पे मंजूरी दे दी गई है, किस तरह से देखते हैं इन प्रस्तावों को? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से दूसरा कार्यकाल की शुरुआत की तब से वो लगातार सक्रिय है। वो एक अलग रोड मैप की तरह चल रही है। मैं बता दूं, अगर उनका पिछले कार्यकाल की बात करें तो पिछला कार्यकाल उन्होंने बहुत तेजी से निभाया और काम भी किया, पर कहीं ना कहीं कोरोना महामारी की तरफ तमाम ऐसी योजनाएं थी जो कि पूरी नहीं सकती, उन पर धीरे धीरे काम हुआ था। पर अब योगी सरकार को अगर जनता दोबारा मौका दिया है, तमाम तरह के मुख्य के बारे थे पर उसके अलग जनता ने योगी सरकार को दोबारा मौका दिया, निश्चित रूप से अब उनकी जो सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और मैंने बताया कि उनका जो एक महीना पूरा हो चुका है सरकार गठन को, शपथ लेने के कार्यक्रम को, और इसके योजना के बीच में भी लगातार उनके द्वारा प्रस्तुतिकरण कराया गया, रोडमैप तय कराया गया। 3 महीने का, 30 दिन का, 6 माह का, 1 वर्ष का, 5 वर्ष का रोडमैप यहाँ तैयार किया गया है अलग अलग योजनाओं के लिए। निश्चित रूप से और लगातार कैबिनेट बैठक में जो तमाम प्रस्ताव पास हो रहा है जो कि बेहतर जो परिणाम साबित होंगे, और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि जो बड़े फैसले हैं वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं और अपने फैसलों के माध्यम से जनता को तमाम तरह के सुधार देने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आज की कैबिनेट बैठक की बात करें तो तमाम अच्छे फैसले यहाँ पर हुए हैं। तो फिर बात है कि पेट्रोल जो यहाँ पर पेट्रोल मिलाया जाता है, पेट्रोल के उत्पादन को 10 लाख लीटर करने का यहाँ पर फैसला लिया गया है, प्रस्ताव पास किया गया है। और साथ ही साथ जो निवेशक है उनकी जो तनख्वाह उनको बढ़ा दिया गया है, जो रसोई है उसकी तनख्वाह को 1500 से 2000 कर दिया गया है। इसके अलावा जो एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, उस पर टोल जो टोल संबंधी सुविधा है उसको पास प्रस्ताव पास कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो एक्सप्रेस वे पर है पेट्रोलिंग के लिए 12 वाहन और एम्बुलेंस 6 वाहन की व्यवस्था की गई है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो कैबिनेट बैठक के बाद फैसले लेते हैं वो बेहतर फैसले हैं, क्योंकि इन फैसलों के आगे समय में जनता को बेहतर संदेश जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में गुजरात में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश चुनाव है और 2024 चुनाव भी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर योगी सरकार दूसरा कार्यकाल है वो लगातार सक्रिय है और तेजी से काम कर रहा है, एक बेहतर रोडमैप से काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में बेहतर परिणाम देता नजर आएगा। जी गौरव, वो कौन सा प्रस्ताव है जिससे सरकार ने हरी झंडी नहीं दिखाई है? ठीक है, अगर हरी झंडी की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि आपको जो औद्योगिक विकास की जो थी इन्वेस्टर समिट की बात की गई थी कि इन्वेस्टर समिट कब होनी है, किस दिन होनी है, किस समय उसकी व्यवस्था की जाएगी, इसका प्रस्ताव पास हो रहा था, पर अभी इस प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है। अब आने वाले समय में कब होगी, कैसे होगी, कितना का लक्ष्य बनाया गया है वो भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्यों कोई सुविधाएं जो एमएसएमई को दी जाएगी, क्योंकि सरकार ने हमेशा ये सोचा है कि एमएसएमई को बेहतर किया जाएगा, खादी ग्रामीण को बेहतर किया जाएगा, जिससे कि स्वरोजगार के जो साधन उपलब्ध कराए जा सके और बेरोजगारी की समस्या है उसको कम किया जा सके। जी, एक्सप्रेसवे पर 6 एम्बुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहन को भी मंजूरी दी गई है। गौरव, ये कितना जरूरी था? देखिए, बहुत जरूरी था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अभी शुरुआत हो चुकी है, वहां पर लोग लगातार वाहन जा रहे हैं, पर अभी वहां पर टोल प्लाजा टोल जो अभी शुरू नहीं हुआ था, साथ ही साथ वहां पर अभी पेट्रोलिंग शुरू नहीं थी। वहां पर अगर हम देखे जाए वाहनों की वाहन कम जा रहे थे, देखिए लाइट की तमाम समस्या थी, इसके लाइट की समस्या के साथ साथ टोल वहां पर नहीं लग रहा था अभी, और साथ ही साथ वहां पर पेट्रोलिंग के लिए और एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई थी, तो वहां पर अभी इतनी सक्रियता नहीं है, लोगों का आवागमन तक जारी नहीं है। पर अब जिस समय प्रस्ताव पास किया गया तो निश्चित रूप से अब
पूर्वांचल एक्सप्रेस पे आवागमन बढ़ेगा और साथ साथ एम्बुलेंस और पेट्रोल के माध्यम से अगर कोई दुर्घटना होती है तो निश्चित रूप से उसमें लोगों को बचाया जा सकता है और एक बेहतर तरीके से सुरक्षा के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस का लोग आवागमन कर सकेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो पीडब्ल्यूडी को सिंचाई विभाग की जमीन दी गई है और इसी के साथ ही सीएम योगी की कैबिनेट में 10 में से 9 प्रस्तावों को पास कर दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र पर तिकुनिया हिंसा में आरोप तय होने को लेकर सुनवाई के लिए जज ने समय बढ़ा दिया है। अब अगली सुनवाई 10 मई को होगी। बचाव पक्ष के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर अदालत ने सुनवाई की तारीख बढ़ा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आशीष मिश्र ने बीते रविवार को सरेंडर किया था। यहां से उसे दोबारा जेल भेज दिया गया था। इस खबर में हमारे साथ बातचीत के लिए लखीमपुर से संवाददाता धीरज तिवारी जुड़ चुके हैं। धीरज, अब आगे की कार्यवाही के लिए समय मांगा गया है, जितने भी साक्ष्य उनको पेश करने के लिए, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए बिल्कुल बता दो, आज लखीमपुर तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की पेशी होनी थी, कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, लेकिन वहीं पर फिर उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है उनकी पेशी की गई, अन्य उनके साथ जो आरोपी थे उनकी भी हुई है। अब जो 10 तारीख डेट दी गई, क्या होता है, किस तरीके से क्या करता है जिला प्रशासन के कौन कौन से जो समय मांगा है उसके आधार पे होता है, तो ये आगे 10 तारीख का विषय, जांच का विषय, क्या किन उस पर सुनवाई होती है, क्या आगे निकल करके आता है। जी, तो जिस तरह से समय मांगा गया है उसको देख के क्या लगता है, क्या कुछ सबूत इकट्ठा कर पाएंगे कि अजय मिश्रा टेनी के लिए? देखिए बिल्कुल, उनके वकीलों ने जो समय मांगा है उसके आधार पर जो कोर्ट ने उनको समय दिया, तो कहीं ना कहीं सबूत इकट्ठे करने, उनको ये उनको विश्वास है कि सबूत इकट्ठे करेंगे और उसके बाद में जो हम 10 तारीख को पेश करेंगे उन सबूतों को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता धीरज तिवारी जुड़े थे। तो जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है, जिस पर अदालत ने सुनवाई की तारीख को बढ़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आशीष मिश्रा ने रविवार को सरेंडर कर दिया था और उसे दोबारा जेल भेज दिया गया है। खबर नोएडा से है, जहां गार्डन गैलेरिया मॉल के एक रेस्टोरेंट में युवक और रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई और युवक बुरी तरह घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भी भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक बिहार का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने रेस्टोरेंट के 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। तो नोएडा से ये खबर सामने आ रही है, जहां पे एक बार में विवाद हुआ, उसके बाद ही मारपीट देखने को मिली और मारपीट इतनी बढ़ गई कि एक युवक की मौत हो गई। गार्डन गैलेरिया मॉल के एक रेस्टोरेंट का ये मामला बताया जा रहा है, जहां युवक और रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई, युवक बुरी तरह घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है, पैसे के लेन देन को लेकर विवाद गरमाया था। वहीं पुलिस अब कार्यवाही में जुट गई है। आपको बता दें कि इस तरह के विवाद अक्सर ही होते रहते हैं बार रेस्टोरेंट में, लेकिन ये विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और इसका अंत एक युवक की मौत पे हुआ। तो रेस्टोरेंट में मारपीट हुई है और ये मारपीट खूनी विवाद में तब्दील हो गई। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए नोएडा से संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है, आखिर ये विवाद कैसे शुरू हुआ? देखिए आपको बता दूं कि ये नोएडा का एक जी जिसका संचालन कर रहे थे और कुछ पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। पूरा मामला जो है एक द मॉल है, द गैलेरिया करके काफी रिहायशी बड़ा मॉल है और
यहाँ पर द लॉस्ट एक लेमन करके एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर एक विवाद एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाता है जब किसी व्यक्ति से पैसों के लेन देन की बात होती है, तो वो वहां पर जो बाउंसर है, आपकी बता दें आपको, जो बाउंसर है वहां पर उनके द्वारा हाथापाई की जाती है। हाथापाई इस तरह से बढ़ जाती है कि उस व्यक्ति को इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। बात करें वहां पर जो वहां के स्थानीय लोग थे, उन्होंने आनंद फानंद में उसको अस्पताल में भर्ती किया। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया था। जी जी, अगर बात करें जाए मृतक युवक की, तो क्या उसके साथ कोई और भी मौजूद था उस वक्त? देखिए, वो जो युवक था उसका कुछ लेन देन था रेस्टोरेंट मालिक से या वहाँ के जो स्टाफ थे उनसे, कुछ लेन देन को लेकर वो वहां पर बात करने गया था। बात कुछ ऐसी बिगड़ गई, पैसों का लेन देन ऐसा बढ़ गया कि वो विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। क्योंकि जिस तरह से उस व्यक्ति की, 30 वर्षीय व्यक्ति है जिसकी मौत हुई है, खासतौर पर वो बिहार का निवासी बताया जा रहा है। क्योंकि जो मामला है, मामले में जो संज्ञान, आपको बता दें वहाँ के जो एडिशनल DCP है उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान लिया है, उस पूरे मामले की जांच भी हो रही है। खासतौर पे जो जितने वहां पर लोग थे, स्टाफ था रेस्टोरेंट के अंदर, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। कम से कम 8 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उनसे पूछताछ भी जारी है। जी जी प्रवीण, क्या ये कुल 8 लोग ये सभी थे या फिर इनके अलावा कोई और भी व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो फरार चल रहा है? जी, आपको बता दूं जो 8 लोगों को गिरफ्तारी की गई है, ये एक शक के ब्याह पे किया गया, लेकिन इसमें मारपीट करने वाला जो दोषी है उसकी जांच और उसकी पहचान जब हो पाएगी, जब CCTV फुटेज, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर में एक वो एक बार तरीके से बार की तरह चलता था, तो वहां पर जो CCTV फुटेज है उसको पुलिस खंगालेगी और उसमें देखेगी कि आखिर किस किस व्यक्ति ने उस जो मृतक है उसके ऊपर किस किस व्यक्ति ने हाथ छोड़ा है और उसको पीटा है। जी जी, क्या इस रेस्टोरेंट से पहले भी इस तरह की हाथापाई की मारपीट की खबरें सामने आ चुकी है? देखिए, जो मॉल है, मॉल के अंदर में अधिकतर देखा गया है जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, बार होते हैं, खासतौर पे वहां पर बाउंसर की तैनाती की जाती है और बाउंसर को इसलिए तैनात किया जाता है कि जो लोग वहां पर आते हैं शराब का सेवन करते हैं या जो भी चीज वहां से उपलब्ध कराई जाती है उसका सेवन करते हैं, तो आपस में कई बार ऐसी चीजें होती है, झगड़ा हो जाता है, तो इसलिए वहां पर बाउंसर की तैनाती होती है। लेकिन बाउंसर द्वारा जिस व्यक्ति को पीटा गया है, खासतौर पे अभी पुलिस जांच कर रही है, ये पूरा मामला पुलिस जब देख खुलासा करेगी, जब पूरी CCTV खंगाल ली जाएगी, खासतौर पे उसमें आरोपी का पता चल पाएगा कि कौन वो आरोपी है जिसने उस व्यक्ति के साथ खासतौर पे हाथापाई की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़े थे। तो वहीं इस मामले में एडिशनल DCP ने भी बयान जारी किया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। देखिए, सेक्टर 39 थाना क्षेत्र अंतर्गत गार्डन गिरिया मॉल है, उस मॉल में एक बार है जिसका नाम लॉस्ट लेमन है। वहाँ पे कल रात्रि कुछ लोग पार्टी करने गए थे, लगभग 11 बजे के आसपास पार्टी करने वालों और जो रेस्टोरेंट के स्टाफ थे उनके बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद उसमें से उस मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी, उसको वहाँ से उनके साथियों ने तत्काल हॉस्पिटल लेकर के एडमिट कराया। वहाँ पे जब पूछे उसके बाद उनकी मौत हो गई। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोगों ने इसमें तत्काल उसमें FIR पंजीकृत की है और पंजीकृत करने के बाद उसमें जो बाहर के जो जितने लोग हैं सबको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। हमारे पास सारा CCTV फुटेज है जिसमें 8 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और सभी के खिलाफ उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।